नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। खोलो अपना जिम से। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा आज का टॉपिक है प्रकृति। आप सभी लोग जानते हैं प्रकृति बहुत सरल है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रकृति का हमारे जीवन में महत्व क्या है, लेकिन वो अलग बात है कि हमारा उस पर ध्यान नहीं जाता। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रकृति, और यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से कुछ सरल उपाय से आप अपने जिम के एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं। उसमें सबसे पहले आती है बात कि जब भी हम जिम प्लान करते हैं तो आप सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एसी, लाइटिंग, फ्लोरिंग, एवरीथिंग, इक्विपमेंट्स, इवन आप इंटीरियर में इवन कलर्स, जो वो आपकी वॉल कलर्स होते हैं, उनका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन एक चीज़ आप भूल जाते हैं हमेशा, प्रकृति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने कभी सोचा कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नॉर्मल रूटीन ब्रीदिंग से 3 से 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है? और क्या आपने सोचा जिस आप 2,000, 2,500, 1,000 स्क्वायर फीट के हॉल में एक्सरसाइज करते हैं तो आप कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं? तो इस सब के लिए एक सरल उपाय है जिसको आप करके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगे तो, कि आप गो ग्रीन कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। बहुत ही सरल है, आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। बस करना क्या है मैं बता देता हूँ। आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये बेहद ही स्मॉल प्लांट है। अगर मैं बात करूं तो आप एक 4 फीट की अगर फट्टी पे लगाएंगे तो 5 से 6 प्लांट आप इजीली प्लेस कर सकते हैं वॉल पे। एंड वन मोर एग्जांपल लाइक दिस वन, तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह के छोटे प्लांट्स आप अपने जिम में प्लेस करेंगे, सबसे पहली बात जब आपके मेंबर्स आएंगे, हरियाली देखेंगे आपके जिम में, उन्हें अच्छा लगेगा, उनका मूड फ्रेश रहेगा, आपके जिम रेवेन्यू पे इसका असर पड़ेगा, और सबसे भरपूर बात, आपके हॉल के अंदर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अपने जिम में गो ग्रीन कॉन्सेप्ट पे काम करिए, इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। इसी के साथ मैं आज आपके साथ विदा चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।